और आपको बताएं मुस्लिम टाउन में सैयद आबिद मरहूम की साहिबजादी फरहम अजहर के कत्ल का वाकया। फरहम अजहर के कत्ल केस में अहम पेशरफ दो मुलजम गिरफ्तार कर लिए गए। कत्ल में मुलविस घरेलू मुलाजमा रजिया और रमजान को गिरफ्तार कर लिया गया। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आबिद बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, मुस्लिम टाउन का इलाका है जहां पर सैयद आबिद मरहूम की बेटी को गुज़श्ता रोज फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से तहकीकात का दायरा वसी किया गया तो दो तीन मुलाजमी समेत इसके ले पालिक बेटे को हिरासत में लिया गया था। पुलिस तहकीकात में इंकशाफात हुए जिसमें पुलिस जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि मकतूला फराह को उसके बेटे फाहद ने गोली मारकर कत्ल किया। मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था और वालदा के इनकार पर उसे कत्ल कर दिया और कत्ल की वारदात के बाद इसे खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था। पुलिस के इस वाले से यह भी कहना है कि घरेलू मुलाजमा रजिया ने फाहद के साथ मिलकर क्राइम सीन को खत्म करने की कोशिश की और दोनों मुलजमान की जानिब से एक पिस्टल को किचन में छुपा दिया गया और दूसरे को गिराज में छुपाने की कोशिश की गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की निशानदेही पर असलहा बरामद कर लिया गया है जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही है। जी आबिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।